कलर्स टीवी के शो शिव शक्ति ताप त्याग तांडव के बीते एपिसोड के शुरुआत में हमें देखने को मिला था। एपिसोड की शुरुआत शिव द्वारा नंदी से यह कहने से होती है कि शक्ति के पुनर्जन्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि वो ध्यान करने चले गए हैं, अगर किसी ने उन्हें परेशान करने की कोशिश की तो वो उससे बुरा कोई नहीं होंगे। शिव ध्यान में चला जाता है। नंदी को उम्मीद है कि शक्ति सब कुछ सुलझा लेंगे। दीति तारकासुर से कहती हैं कि सभी बच्चियों को मारना अच्छा नहीं है और उससे कहते हैं कि वे आसानी से पता लगा सकते हैं कि शक्ति का जन्म कहाँ हुआ है, क्योंकि उसके शक्ति को सिपाया नहीं जा सकता। तारकासुर सहमत हो जाते हैं और अपने गुप्त सैनिक को पृथ्वी पर शक्ति को खोजने के लिए और उसे मारने के लिए कहता है। कसुर का कहना यह है कि देवता निश्चित रूप से शक्ति से मिलने आएंगे, क्योंकि वे अपनी खुशी सिपा नहीं सकते। शिव ने खुद को बर्फ में जमा लिया। नंदी संदीप और वासुकी शिव की वापसी की आशा करते हैं। वे शिव के सामने खुद को बर्फ में जमा लेते हैं। हिमबान का परिवार पार्वती का जन्मोत्सव मनाता है। सभी देवताओं ने पार्वती को आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी नारायण से कहते हैं कि वो पार्वती से मिलना चाहते हैं। नारायण कहते हैं कि हमने पहले ही शक्ति को एक शब्द दे दिया है, इसलिए हमें इस जन्म में पार्वती की मदद करने की जरूरत है। ज्योतिष माँ हिमबान के महल आती है। हिमबान उनका स्वागत करता है और उनसे पार्वती के भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए कहता है। ज्योतिष माँ बच्चे को अपने हाथों में लेती है और उसके कुंडली देखने की कोशिश करती है। पार्वती ज्योतिष माँ को सूती है और उनसे जन्म दोष का इलाज करती है। ज्योतिष माँ ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि वो सामान्य हो गई है। हिमबान से कहती है कि उसके बच्चे विशेष है, जहाँ तारकासुर का सहयोगी समझ जाता है कि पार्वती शक्ति है। हिमबान सभी को जाने के लिए कहता है, सब तोड़ देते हैं। लक्ष्मी नारायण सरस्वती और ब्रह्मा वहाँ आते हैं, पार्वती को आशीर्वाद देते हैं। लक्ष्मी ने पार्वती को कंगन भेंट किया। मैना ने गंगा से पार्वती को सुलाने के लिए कहा। हिमबान ने देवताओं से पूछा कि उनकी बेटी जन्मोत्सव के पास आने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि पहले वे कभी भी अपने अन्य बच्चों के लिए नहीं आए थे। नारायण कहते हैं कि शिव यहाँ रुके थे, इसलिए हम आए। नारद कहते हैं कि हिमबान की बेटी सामान्य नहीं है, वो विशेष है। गंगा पार्वती को झूले में झुलाकर उनके खिलौने लाने के लिए चली जाती है। तारकासुर की सहायता से पार्वती का अवशेष की जाती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। पार्वती का हाथ उस पर लगाता है और वो तारकासुर के सामने गिर जाता है। तारकासुर अपने सेवक से पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ। तारकासुर के गुप्त असुर का कहना यह है कि शक्ति उसके राज्य के लिए जिम्मेदार थी और शक्ति के ठिकाने का खुलासा करने के लिए पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तारकासुर ने शक्ति को मारने की प्रतिज्ञा की। एक बाघ पार्वती के पास आता है और उन्हें कमल का फूल देता है। गंगा वहाँ आती है और ये देखकर हैरान हो जाती है।